हेलो गाइस, बिगिनर वर्कआउट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज डे 57 हम करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे चेस्ट, शोल्डर एंड कोर। और ये हमारी आज होगी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होने वाली है। कल जैसे मैंने आपको बताया 1800 कैलोरीज, तो आज से आप प्रॉपर उसको करना शुरू कर दीजिए और स्टेप जरूर करिए, 8 से 10,000 स्टेप करना ही करना है। तो आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वार्म अप हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस। और इसके हम 4 सेट करेंगे। आज हमारा एंड्योरेंस है तो 12 से 15 रेपिटेशन करना है हमें, तो 12 रेपिटेशन में करूँगा। स्टार्टिंग में 22.5 kg से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट कर सो गाइस, फ्लैट बेंच मेरा कंप्लीट हो चुका है। 4 सेट करे, 12 रेपिटेशन सब पे करे। 22.5 पे स्टार्ट करा था और लास्ट में 25 पे करा। अभी हम इंक्लाइन फ्लाई कर रहे हैं डंबल्स पे और इसके हम 3 सेट करेंगे 12 से 15 रेपिटेशन पे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग वेट में 15 kg ले रहा हूँ। तो गाइस, फ्लाई मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने 15 kg से स्टार्ट करा था और उसी पे मेरे 12 रेपिटेशन तीनों सेट पे आ गए। मैंने वेट नहीं बढ़ा पाया था। एंड्योरेंस में अधिकतर ऐसा होता है कि हम वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते, स्ट्रेंथ में हम बढ़ा पाते हैं क्योंकि हमारे रेपिटेशन भी वहाँ कम रहते हैं। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्मिथ मशीन पर डिक्लाइन प्रेस और इसके भी हम 3 सेट करेंगे 12 से 15 रेपिटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं 25 kg से स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, डिक्लाइन प्रेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 सेट करे, 12 रेपिटेशन सब पे आ गए मेरे। अब हम शोल्डर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डंबल ओवरहेड प्रेस कर रहे हैं और इसके हम 4 सेट करेंगे 12 से 15 रेपिटेशन। स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं स्टार्टिंग 20 kg से कर रहा हूँ, लगेगा तो बढ़ाएंगे। सो गाइस, डंबल ओवरहेड प्रेस मेरा कंप्लीट हो चुका है। 4 सेट मैंने करे। स्टार्ट मैंने 20 kg पे करा था, 12 रेपिटेशन आ गए। फिर मैंने 22.5 करा, उस पर भी मेरे 12 आ गए, लेकिन उसके बाद मेरे 22.5 पे 10 रेपिटेशन ही आए। लेकिन मेरे को लग रहा था 12 रेपिटेशन कर लूँगा, लेकिन 10 रेपिटेशन आए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम 22.5 पे 12 रेपिटेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम शोल्डर की करने वाले हैं डंबल लैटरल रेस। देखिए, अब हम अभी बिगिनर ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे को करते हुए, तो हम ज़्यादा वेरिएशंस नहीं कर सकते हैं कि हम कभी केबल पे कर लें या फिर दूसरे तरीके से करें। इसलिए अभी हम एक बार वापस से हम डंबल्स पे ले रहे हैं। वेरिएशन को न देखते हुए हम मसल माइंड कनेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो डंबल्स पे 4 सेट करेंगे 12 रेपिटेशन के। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लेटरल रेस हमारे कंप्लीट हो गए। 4 सेट हमने उस पर करे।
12.5 पे ही स्टार्ट करता और 12.5 पे ही खत्म हुआ मेरा 12-12 रेपिटेशन चारों सेट पे आ गए। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं सुपर सेट और उसमें हम कर रहे हैं चेस्ट एंड कोर, जिसमें हम करेंगे केबल फ्लाई जिसके अंदर आपको पुली हाई पे रखनी है और जब आप फ्लाई करेंगे तब सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में हम हैंगिंग नी कर्ल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 3 सेट 12-12 रेपिटेशन इसके होंगे, उसके आप 10, 12, 15 रेपिटेशन तक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फ्लाई के साथ हम हैंगिंग नी अप करने वाले थे, लेकिन चेंज करके अब हम फ्लैट बेंच पे ही सेम उसको तो सुपर सेट में अभी हम करने वाले हैं नी फॉल्ड क्रंचेस। इसको कैसे करना है, फ्लैट बेंच ले लीजिए या फिर आप मैट पे भी कर सकते हैं। मैं फ्लैट बेंच पे कर रहा हूँ, इसमें आप फ्लैट बेंच पे लेट जाइए, ग्रिप ले लीजिए पीछे की तरफ, रोड को मत पकड़िए नहीं तो नीचे गिर जाएगी। ग्रिप ले ली, पैर बिल्कुल स्ट्रेट है, फोल्ड नी फोल्ड करते हुए क्रंच हुआ एंड स्ट्रेट 1। तो गाइस आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ, चेस्ट शोल्डर एंड कोर, काफ़ी अच्छा वर्कआउट था। कोर में जो हमने लास्ट एक्सरसाइज करी उसमें 15-15 रेपिटेशन तीनों सेट पे आ गए मेरे, और फ्लाई में भी मेरे 12-12 रेपिटेशन आ गए। आई होप आप भी अच्छे से वर्कआउट कर रहे होंगे, प्रॉपर वर्कआउट करें। और मैंने आपको डाइट अपडेट दिए तो उस डाइट को जरूर चेक करें, कल की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।